रविवार को एनसीबी की टीम ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ समय से पहले खत्म कर ली थी। हालांकि उनके सवालों की लिस्ट खत्म नहीं हुई थी और इस वजह से रिया को दोबारा सोमवार को एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है। रविवार को जब एनसीबी की टीम ने रिया का सामना उनके भाई शोविक से करवाया तो रिया भावुक होकर रोने लगी। शोविक भी इमोशनल हो गया और दोनों भाई बहन के आंखों में आंसू निकल पड़े। थोड़ी देर में दोनों नॉर्मल हो गए। उनके इस इमोशनल कार्ड की वजह से भी कहीं ना कहीं पूछताछ जल्द खत्म करनी पड़ी थी। आज फिर एक बार रिया का सामना अपने भाई से होने वाला है। रिया एनसीबी के दफ्तर सुबह 9:30 बजे ही पहुंच गई थी। आज की पूछताछ में रिया को शोविक के अलावा सुशांत के होम स्टाफ दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा के सामने बैठाकर सवाल पूछे जाएंगे। शोविक, सैमुअल और दीपेश तीनों ही सुशांत केस के ड्रग्स एंगल में आरोपी है और इस वक्त एनसीबी की गिरफ्त में है। कयास लगाया जा रहा है कि सोमवार को अगर वो एनसीबी के सवालों का सही से जवाब देने में असफल रही तो वो गिरफ्तार हो सकती है। गिरफ्तारी के लिए 3 सबसे जरूरी बातें, पहला रिया का कबूलनामा उन आरोपों पर जिनमें उनका नाम आया है, दूसरा एनसीबी किसके साथ रिया से सवाल जवाब करेगी, और तीसरा कि आखिर क्यों रिया और बाकी आरोपियों के साथ आमने सामने बिठाकर रिया से पूछताछ की जाएगी। रिया का पहला सामना सैमुअल मिरांडा से होगा। सैमुअल का नाम ड्रग्स की लेन देन में सामने आया था। उन्होंने एनसीबी को बताया था कि उसने रिया और शोविक के जानने वाले ड्रग पेडलर के निर्देश पर ही एक निश्चित मात्रा में ड्रग्स खरीदे थे। दूसरा शख्स जिसके साथ रिया की पूछताछ होगी वो है दीपेश सावंत। दीपेश सावंत के घर में हाउस बॉय के तौर पर काम कर रहा था। दीपेश ने एनसीबी को बताया था कि 5-6 बार उसे 2 ड्रग्स पेडलर से ड्रग्स मिला था और फिर वो ड्रग्स सुशांत के घर लेकर आया था। तीसरा शख्स जिसके साथ रिया की पूछताछ की जाएगी वो उनका भाई शोविक चक्रवर्ती है। शोविक ड्रग पेडलर जैद बासित और कैजान को जानता था। रिया द्वारा ड्रग्स मांगे जाने पर शोविक इनकी व्यवस्था करता था और ये बातें दोनों की चैट्स में भी है। मार्च में रिया और शोविक के बीच हुई बात उनके खिलाफ सबसे अहम सबूत है।